हर साल बॉलीवुड मूवीज का कोई ना कोई सीक्वल रिलीज होता है। कभी इन सीक्वल को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिलता है, कभी दर्शक इन्हें नकार देते हैं। इस साल भी कई सीक्वल धमाल मचाने को तैयार है। देखते हैं कि इस लिस्ट में किस किस फिल्म का नाम शामिल है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 76.88 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब 22 सालों के बाद इसका सीक्वल बड़े पर्दे पर रिलीज होने को तैयार है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगी, जिसका हर ओर काफी बज बना हुआ है। अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माय गॉड 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नेट इंडिया बॉक्स कलेक्शन 81.46 करोड़ था। अक्षय इस साल फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर हर ओर माहौल बना हुआ है, हालांकि अब तक इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है। फिल्म फुकरे 2013 और फुकरे रिटर्न्स 2017 के फैंस अब फुकरे 3 देखने के लिए एक्साइटेड है। फुकरे का बजट 8 करोड़ था, जबकि इसने 49 करोड़ का कलेक्शन किया था। वही फुकरे ने 80.32 करोड़ की कमाई की थी। फुकरे 3 इस साल 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। अजय देवगन की दोनों ही फिल्मों ने जबरदस्त कलेक्शन किया है। एक ओर जहां सिंघम ने 100 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरी ओर सिंघम रिटर्न्स ने 140 करोड़ कमाए थे। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के बाद अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी 2023 में सिंघम 3 से धमाल मचाने आ रही है। सलमान खान कटरीना कैफ स्टारर एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नेट इंडिया बॉक्स कलेक्शन 198 करोड़ था। वही टाइगर जिंदा है का कलेक्शन 339 करोड़ था। सलमान खान की फिल्म के दोनों ही पार्ट्स को दर्शकों का बेइंतहा प्यार मिला। अब फैंस को टाइगर 3 का इंतजार है। टाइगर 3 इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 142 करोड़ का कलेक्शन किया था। ड्रीम गर्ल की सक्सेस के बाद अब फैंस बेसब्री से ड्रीम गर्ल 2 के इंतजार में बैठे हैं। फिल्म 29 जून 2023 को रिलीज होगी।